मंडल से लेकर जो मेन बस अड्डे तक जो रोड है, जो बड़ी जो PWD डिपार्टमेंट जो रोड बना रहा है, मुझे लगता है वो सही नहीं बन रहा है। जब महाशिवरात्रि का मेला होता है, दो चार दिन में जो मिट्टी शिट्टी डाल के उसको बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जैसे बारिशें आएंगी या कुछ ऐसा मतलब हो जाएगा, तो उससे जो गाड़ियां काफ़ी स्किट होती हैं, खास करके जो छोटे बाइकें मोटरसाइकिल जो है उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हम चाहेंगे कि कंसर्निंग अथॉरिटी, जहाँ पर DC मैडम भी आती है या कोई और भी अफसर आते हैं, भैया प्रयाग से निकल के यहाँ आते हैं शिवपुरी के लिए, तो हम चाहते हैं जो भी ऑफिसर आए इसी कंडा टू रणसू के लिए इसी रोड से आए, लेफ्ट राइट साइड से, ताकि उनको भी जानकारी लगे कि हाँ वाकई यहाँ पे जो रोड गंदा है। बिल्कुल, डीपाम साहब और DC मैडम जी और भी जो अच्छे अच्छे मिनिस्टर लोग आते हैं यहाँ शिवपुरी में, तो वो अपने त्रैटू रणसू के लिए आते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि यहाँ से ब्लेड टॉपिंग कंप्लीट है और यहाँ और कंडा टू और रणसू राइट हैंड जो पुराना 100 साल से जो रोड बना हुआ है यहाँ पे जो है आज तक भी बुरी हालत है। यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट को इन्होंने काम दिया, हमने काफ़ी बार इनको रिक्वेस्ट की है, हम किसी शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इतने लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, हर साल यात्री जो है जब जो रोड को देखते हैं बड़ा परेशान होते हैं और वो कहते हैं यार यहाँ पे इतना खूबसूरत इलाका है, इतनी अच्छी बढ़िया जगह है शिवपुरी, इतना अच्छा धाम है भोले शंकर का, और ये जब हम रोड देखते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, और खास करके जब शिवरात्रि के टाइम या कहीं बारिशें होती हैं तो उसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ स्किट हो जाती हैं, गाड़ियाँ निकालने के लिए यहाँ पे स्लीपर बसें आती हैं सर, दिल्ली से, गुजरात से, और बाकायदा जितने भी कटरा वैष्णो देवी पे जो यात्रा आती है वो सारा शिवपुरी में आती है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रोड जो है उसका बिल्कुल लेवलिंग होनी चाहिए, खड्डे पड़े हुए हैं, नीचे ऊपर रोड है, वहाँ से तो गाड़ी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहेंगे कि पूरा PWD डिपार्टमेंट जो जहाँ जहाँ भी काम कर रहा है वो पूरा सही तरीके से काम करे, ये हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और काफ़ी सारे इनके जहाँ जहाँ भी हमने काम देखे, कोई काम जो है काम में बड़ी नेगलेंसी है, काम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, जो मतलब इसमें अच्छी बात नहीं है। ये बर्थ हमारा यहाँ से शिवपुरी से ही, हम रणसू से ही हैं, तो हमने हमारी ज़िंदगी, हमारी 35-36 साल उम्र हो गई, हमने देखा काम लगा हुआ है, चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ना ब्लेड टॉप पड़ी है, ना लुक पड़ी है, और ना मार्केटिंग हुई है, कोई मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या सिस्टम है। आते हैं काफ़ी अफसर, आए काफ़ी चला गए, लेकिन कहने का मतलब है कि महाशिवरात्रि का मेला है, भगवान का भी दरबार है, और खास करके LG प्रशासन और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है काफ़ी सारा पैसा दे रहे हैं रोड कनेक्टिविटी के लिए और अच्छे सिस्टम के लिए, तो सिस्टम से जो है पैसा लगना चाहिए सरकार का, ताकि आने वाले वक्त में जो है फैसिलिटी मिल सके यात्रियों को। यहाँ पे सिंगल रोड है खास करके, तो सिंगल रोड में कितना गाड़ी को स्लीपर बसेज आ रहा, मतलब छोटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कितना काफ़ी सारा सिस्टम है जो कटरा से जहाँ पे आता है पर डे, यहाँ पे मेरे साथ कम से कम भी 10,000 के करीब गाड़ियाँ आएंगी, 20,000 गाड़ियाँ आएंगी, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से अकोमोडेशन होनी चाहिए यात्रियों की, जैसे टैक्सी अड्डा पे, बस अड्डा पे, और भी काफ़ी सारा प्लेसेज ऐसे मार्क करने चाहिए जैसे कि यात्री शिवरात्रि पे आए और अच्छी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब महाशिवरात्रि का मेला आएगा, लाखों की तादाद में यहाँ यात्रु आएंगे, उस टाइम डंडे मारने की कोई जरूरत थोड़ी है, इससे पहले ही अच्छा अच्छा जगह देख के, अच्छे सिस्टम देख के उनको मार्क किया जाए। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द दिन रात करके अच्छी गाड़ी लगा के लेबलिंग करें और खड्डे छड्डे सीधे ना भरें, गड्ढों में मिट्टी ना डालें, जो हमारा कैंकड़ा निकल रहा है हमारा यहाँ से निकल रहा है रोकर, और मैंने देखा कोटाली गाला में से पूरा जितना भी जो बजरी निकल रही है, काफ़ी सारी बजट निकल रही है। मैं जहाँ तक मैं मेरी अपनी रिक्वेस्ट है DC मैडम से भी और PWD डिपार्टमेंट से भी, कि ये बजरा डालें जहाँ पे, ना के मिट्टी डालें साइडों पे भी, और ट्रैक टू रणसू और कंडा टू रणसू के लिए ये पूरा बजरा डालें, ताकि कोई भी गाड़ी स्किट ना हो, किसी को परेशान ना हो, और सबका वेलकम स्वागत है। जो जहाँ पर शिवरात्रि का महापर्व होने वाला है, सभी यात्रियों से निवेदन करता हूँ जहाँ पर आएँ, दर्शन करें और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इसका टाइम क्या है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेक्शन करती सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उसका टाइम भी होता है, पीरियड भी होता है, तो इसका कितना पीरियड रखा है ने, जो कंडा टू रणसू जो रोड बननी है, तकरीबन हमने देखा 6-7 साल से काम लगा है, मैक्सिमम जो पीरियड है काम के मेरे ख्याल से 5 साल का होता है, अगर 5 साल का है तो टाइम इसका ओवर होने वाला है या हो गया होगा, तो इसको आज तक क्यों नहीं इन्होंने टाइम टू टाइम करवाया। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी है फास्ट ट्रैक पर काम करवाएं, जो एमरजेंसी काम है, जैसे जहाँ पर भोले बाबा की दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर ये टूटी फूटी सड़क से जो आएगा वो क्या मैसेज लेके जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक अच्छी तरीके से जो रोड बने, ये नहीं है कि यहाँ पर शिवरात्रि का मेला हुआ और मेले पर आप झाड़ू पोछा शुरू कर दिया, उसके बाद आप फिर वही 1947 वाली जैसे काम होते थे वहाँ पर चले जाओ। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी काम है टाइम टू टाइम होना चाहिए, ये नहीं है कि मेला अब शिवरात आ गए पानी के नल चलने शुरू हो गए, शिवरात गई तो वो सूखने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जो रेगुलर जितने यात्री आते हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। घोड़े चलते हैं ट्रैक, जैसे आज आप ट्रैक देख रहे हो जहाँ पर कल DC मैम आई थी उसने घोड़े बंद कर दिए, तो आज क्यों जरूरत पड़ी घोड़े बंद करने की? ये अगर पहले बनाया होता तो घोड़े बंद करने की जरूरत थी, नाइट को भी कर सकते हैं ये काम, ये दिन को 12 बजे तक यात्री कम होते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को रोजी रोटी देख कर काम करना होगा,
एडमिनिस्ट्रेशन इन घोड़े वालों का भी ध्यान रखे, अपनी जो काम कर रहे हैं उनका भी रखे, उनका भी टाइम निकले और इनका भी निकलता रहे। हम यही कहेंगे कि जो भी काम हो रहे हैं टाइम टू टाइम करते रहें।